अंजन सुत बंधन करूं महावीर बजरंग, करी सहाय रघुबंस की तुम रहे हमेशा संग। गोविंद गाड़ी भीड़ में और मैं सुमिरत हूं तो पति राखी प्रहलाद की सुबही भरोसो मोय। दोस्तों, त्रिमूर्त डिजिटल कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो ये सदावृक्ष सौरंगा की कहानी लेके चल रहे हैं भाइयों, इससे पहले आप लोग हमारे गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री के मुखारविंद से ये कथा श्रवण कर चुके हैं, जो ये देहायती किस्सा है। और सुना हमने गुरुदेव के मुखारविंद से कि जो ये सदावृक्ष था ये एक साहूकार का लड़का था, और जो सौरंगा थी ये इंद्र के सभा की एक अप्सरा थी, जो साहूकार के लड़का से इसका प्रेम हो गया था। साहूकार के लड़के के पास में ये मिलने जाती थी। एक बार इंद्र ने जब पूछा तो अप्सरा ने, और वो हाल जब नहीं बताया, जब बात छुपा ली है, तो इंद्र ने श्राप दे दिया कि जाइए आप भूतल पर और जन्म जन्मांतर तक आप एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, इसी तरह से तड़पते रहेंगे। तो भाइयों, वही अप्सरा सौरंगा बनी है, और वो जो साहूकार का लड़का था वो सदावृक्ष बना है। तो ये त्रिमूर्त डिजिटल जो स्टूडियो आगरा के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं, मैं नरेश, और इसके डायरेक्टर हैं श्रीमान मुन्ना लाल सिभरे। तो आ जाइए भाइयों, के ये सदावृक्ष सौरंगा की और हम कहानी तुम्हें सुनाते हैं। त्रिमूर्ति डिजिटल कैसेट में हम गा करके दर्शाते हैं। भाइयों, जिस तरह से हीर राजा, लैला मजनू, सीरी फरियाद, इनकी जो प्रेम कहानी जो इतिहासों के पन्नों में भाषित हो चुकी है, उसी तरह से ये सदावृक्ष और सौरंगा की कथा हम आप लोगों के बीच में लेके चल रहे हैं। एक गांव में और एक महात्मा जी भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। एक गांव में एक दिन एक साधु पहुंचो जाए, घर घर भिक्षा मांग के रहो है अलख जगाए। यानी एक महात्मा एक गांव में जब पहुंचा है और द्वार द्वार पे जब बाने भिक्षा मांग वो शुरू करी है, लेकिन भाइयों दरवाजे दरवाजे पर जाता है, लेकिन न मालूम वो गांव कैसा था। अरे द्वार द्वार साधु फिरे मेरे भैया, द्वार द्वार साधु फिरे मेरे भैया, जाए मांग मिली न गंगा भी करी।
दिन भर घूमो पूरे गांव में सन्यासी, बाए दो है किसी ने कछु नहीं दी। पूरे गांव में जब महात्मा दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन न मालूम कैसो गांव हतो काऊ ने बाए मुट्ठी भर अनाज ना दो शाम भई। और शाम को जब वो महात्मा गांव से बाहर चलो है दुखी है के, तो उसकी आत्माओं से कुछ बद्दुआ निकली और वो महात्मा दुखी होके चला। अरे हुई कि दुखी साधु चल दो मेरे भैया, कोई आगे किसी दल दुखी भाव है। और गांव से जब चलो है तो माने एक बात कही, अरे हुई कि दुखी साधु चल दो मेरे भैया, लई आगे किसी दल से चलो है। और महात्मा गांव से निकलवे के बाद में और केवल बग मोह से एक बात निकली के ऐसे गांव में आग लगे जाए। और हमारी ये बद्दुआ है कि हमारे निकलने के बाद में इस गांव में आग लग जाएगी। और भाइयों इतनी बात जब साधु कात बहु निकलो तो भाई पे गांव से बाहर और एक कुमार और कुमारनी रहा तिल्ला। और कुमार कुमारनी ने जैसी सुनी कि गांव में आग लगेगी, वैसे ही कहानी कुछ और बदली। कह रहते एक कुमार कुमारी, कुमार और कुमारनी के कान में जैसी आवाज पड़ी वैसी कुमार और कुमारनी दोनों भागे। और साधु के पाए पकड़ ले, जवाब दो बाबा जी आग लगेगी, किसी तरह से हमें बचाओ, कोई हमें उपाय बताइए। हाथ जोड़ के कहे कुमारी, कैसे बचे जाने हमारी, कुमारी ने दो उपाय पकड़ ले महात्मा से, कही बाबा जी अगर हमारे इस गांव में आग लग जाएगी तो हमें कोई ऐसा उपाय बताइए, भला हम कैसे बचें। तो भाइयों बस साधु ने कुमार और कुमारनी को समझाओ, लला घबराओ मत, ये काम करो, जगह में तुम जो रहता हो ना
जो गांव बढ़िया ना है लला। और वो महात्मा बोलो के कुमारी ते बोले साधु बात है मेरे भैया, कोई दिल में साधु ने कही घबराओ मत, एक काम करो, अरे पापिन की नगरी छोड़ो आज तुम दोनों, पापिन की नगरी छोड़ो आज तुम दोनों, कोई साधु कही समूह दूसरी जगह चले जाओ। और जैसी बस साधु की बात सुनी है कुमार और कुमारनी ने, वैसी कुमार बोलो ऐसो करो, देख ले घर में ते कछु माल देवर जो कछु हो टकाटू सो ले ले, सोई बानी सुनी है जब संत की मेरे भैया, बानी सुनी है जब महात्मा की बात सुनी के जब गांव में आग लगेगी, और महात्मा इतनी बात कहने के बाद में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुमार और कुमारनी अपने थैला में जो कुछ हतो सुबह थैला में डाल के लिए और आगे के लिए बढ़े। लेकिन महात्मा ने एक बात कही थी, देखो यहां से चले जाना लेकिन गांव में जब आग लगे तो लौट के पीछे मन देखना, अगर तुमने पीछे मुड़ के देख लो तो फिर हम कुछ नहीं जानते। अब भाई महात्मा तो चले गए, जैसी कुमार और कुमारनी वहां से निकले हो तैसी वह गांव में आग लग गई, और जैसी आग लग गई तो कुमारी रहे सो कुमारी कुछ ज्यादा डरपों को दीपा आगे आगे बज रही, पति पीछे रहे अब्बा आगे आगे, और जैसी बाबू घर जब तो बहुत देखो तैसे ही कुमार के कान में आवाज आई, वैसे कुमार काले ने कहा रुक जा अरे ने देख लिया ना मुड़ के हमने बड़े मुसीबत से और जो घर बनाओ है तो। कुमारी कहने लगी देखो चुप जाओ चले आ, तुम्हें मालूम ना बाबा जी ने कही हती, बाबा जी ने तो कही थी लेकिन हमें पूछना, हमारी छाती पे हाथ धरो और आगे बजे के जाए के कुमारी को पकड़ के, और जैसे ही वो कुमार ने घुमाओ और जैसे ही दोनों को चेहरा घूमो है गांव की तरफ तो भाई यो गजब हो गया, कहानी बदली गई। जैसी मुड़ के देखो है तैसी दोनों को हिसाब किताब भी बदलेगा। सोई बंदर और बनरिया बन गए दो कुमार कुमारी, जो भी कुमार और कुमारी जैसी उनने मुड़ के देखो तैसी बंदर और बंदरिया बन गए। और बदल गई है काया भैया लौट के लखो पिछारी, महाराज गए
सुनना भाइयों, इस तरह से दोनों जब बंदर और बंदरिया बन गए, माल खजानों जो ले गए थे थैला वो तो वहीं पड़ो रहो, और वहां से दोनों चल दिए हैं एक बंद की तरफ। और जंगल की तरफ जब चले गए तो बिकट बनी में पहुंच गए, जाए कि वहां पर उन्होंने देखा है एक बरगद का वृक्ष है, और बरगद के वृक्ष को जब देखो है तो दोनों बरगद के वृक्ष पे पहुंच गए जाए के, और बरगद के वृक्ष पे दोनों चढ़ जाते हैं। ऐसा ही नहीं के बिकट बनी में दोनों बस गए मेरे भैया, कोई बरगद पे खो चले हैं तो एक बरगद के वृक्ष के ऊपर, और भाई वृक्ष की खो में दोनों ने अपना एक घर बना लिया, उसी में रहते हैं। अरे संध्या को बैठे दोनों संग में मेरे भैया, कोई देखत नजर उसी वृक्ष पर जो भी बंदर और बंदरिया बेहते तो पूर्व जन्म में कुमार और कुमारनी, लेकिन जब उनकी काया पलट गई उसी वृक्ष पर रहने लगे हैं। अरे संध्या को बैठे दोनों संग में मेरे भैया, कोई देखत नजर घुमाई इसी तरह से धीरे धीरे, और बंदर और बंदरिया अपना समय व्यतीत करते रहे, लेकिन भाइयों पूर्व जन्म की याद बनी रही उन्हें। एक दिन ऐसो रहे कि रात को समय रहे सो दोनों भाई बरगद के वृक्ष पे रहे, लेकिन उसी समय एक कहानी बदली के एक दूजे के साथ और रहे दिन रात। सुनो मेरे भाई, और बाई समय एक हंस को जोड़ा गौ बरगद पे आई, रात में बंदर और बंदरिया तो दोनों सोए रहे, लेकिन उसी वक्त एक हंस का जोड़ा उसी बरगद के वृक्ष के ऊपर आ गया। हंस जी ने हंस से एक बात कही, लगी हंसनी केन, लगी हंसनी केन सुना पंज बेन के अरज सुनाई, के अरज सुनाई। कोई ऐसी कही हो बात रात कट जाई, कोई ऐसी कही हो बात रात कट जाई। इधर हंसनी ने अपने पति हंस से कही, महाराज देखो रात को समय है और कछु ऐसी बात कहो जो रात कट जाए। हंस ने कही, देखो तुम ही कोई ऐसी बात कहो। हंसनी बोली, महाराज कैसी बात करता हो, पत्नी का धर्म होता है कि पति की बात सुने और माने, ये पत्नी का कर्तव्य होता है, इसलिए तुम कहो और हम सुनेंगे। और जैसी इतनी बात सुनी है तैसी भाइयों वो बंदरिया बंदर तो सोए रहे थे, सो बंदरिया के कान में कछु भनक पड़ी, बंदरिया उठ के बैठ गई और हंस हंसनी की बात सुनन लगी। वैसी मैं पे पूर्व जन्म की याद आई गई बेटा ने, और जब पूर्व जन्म की याद आई तो सोचन लगी, हे भगवान पूर्व जन्म में हम भी पति और पत्नी थे, लेकिन आज बंदर और बंदरिया बन गए। अरे चौंके की उठी बंदरिया फौरन सुन के उनकी बानी रे,
याद करी है तो फपक फपक के रोने लगी। तब कहे हंस सुन ले ओ हंसनी, आज सुबगड़ी आई रे। और बरगद नीचे ताल रात में ले बे कोई नहाई रे। हंस ने ओ हंसनी से कही, हंसनी आज की रात ऐसी है अगर काऊ की काया पलट गई होए तो जब बरगद के नीचे जो ताल है वो रात के समय में अगर उस ताल में स्नान कर ले तो पुरुष 12 वर्ष का युवक बन जाएगा और अगर स्त्री होगी जवाब दो। अगर काऊ की काया पलट गई हो तो आज जब बरगद के नीचे जो ताल है जाम स्नान कर ले तो स्त्री तो 12 वर्ष की कन्या बन जाए और अगर कोई वृद्ध पुरुष होगा वो भी अगर स्नान कर लेगा तो वो 12 वर्ष को लड़का बन जाए। अब जे बातें अती सब बंदरिया ने सुन ली और बंदरिया ने जैसे इतनी बातें सुनी वैसी मैं पूर्व जन्म की याद आएगी। सोचन लगी जो तो बहुत बढ़िया अच्छी बात बताई हंसनी ने और जो बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। अब भाइयों बंदरिया को चेन न पड़े सो बाकी पति जो बंदर आ तो बाकी पास में गई और भाई जगान लगी है बंदरिया ऐसा ही नहीं। अरे सुन के बातें खुश नारी है मेरे भैया, अपने पति को रही है जगाई जी। अपने पति बंदर को जगान लगी बंदर को जगाए सुनता ना आया। देखो मुहूर्त निकलो जाए रो जगो ना है और जैसी बार बार बन कान पे करी तैसी वो बंदर दौरे के पर हट जा कहां सोना देते कितनी बढ़िया तो नींद आए रही। अरे एक न मानी पानी नार की बंदर ने पड़ी तो बंदर को गुस्सा आ गई। अरे एक न मानी मानी नार की बंदर ने कोई तोरे परो है घुराई जी। बंदर को गुस्सा आई है तैसी माने एक लात मारी बंदरिया के सो झट सीधे बाई ताल में गिर पड़ी।
और आराम से चैन से सोए गो जवान। और जैसे ही बंदरिया ताल में गिरी तो गित ही खेन बा को तो सब हिसाब किताब ही बदली हो। ऐसा ही नहीं, जब गिरी बनरिया ताल में कोई सुनो ददा चितलाई, और वो कन्या बनी लेकिन घड़ी निकली गई। अब बंदर की आंख खुली और जब बंदरिया को जब बांधना है देखो मेरी प्राणन प्यारी नारे के धोखा दे के भज गई है, मेरी प्राणन प्यारी नारे के धोखा दे के भज गई है। याद रखना दोस्तों, जैसी वह बंदर ने बनरिया में लात मारी उसको गम सीधे ताल में, और जैसी वह बनरिया ताल में गिरी तैसी बाघ तो सब हिसाब किताब ही बदली गो। अब 12 वर्ष की कन्या बनी गई। अब इधर वह बंदर की जैसी आंख खुली है, बंदर ने जैसी देखो है कि हमारी बनरिया कहां गई, और जैसी माने अपनी पत्नी को ना देखो तैसी वो बंदर उसी वृक्ष पर तड़पने लगा। ऐसा ही नहीं के मन में अति पछताए और का करूं आए दुखी दिल भारी, ओए दिल में अधिक विचार कैसे हुई है गुजर हमारी, बहुत दुखी है बंदर। बनर गया की याद में उसी बरगद के वृक्ष पे तड़प रहा है। और कहे गुरु बिरजे से जात न पैसे दुखी दिल भारी, दुखी दिल भारी। याद रखना भाइयों, इधर तो वो बंदर तड़पता रह जाता है और अपनी बंदरिया की याद में ये भाग नंबर 1 आपने ये त्रिमूर्त डिजिटल स्टूडियो में और हमने ये सदावृत सौरंगा का भाग नंबर 1 गाया। यहां से आगे कहानी में क्या हुआ, किस तरह से वो लड़की बंदर के साथ अपना गुजारा करेगी, ये वॉल्यूम नंबर 2 में देखेंगे। तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का।